भाई इसे कहते हैं रिडेम्पशन। सर रविंद्र जडेजा ने हमें क्या परफेक्ट एंड दिया है इस आईपीएल सीजन का। लास्ट दो बॉल में 10 रन टू विन, सबकी हालत टाइट, लेकिन जड्डू भाई पहले सिक्स लगाया और फिर सीधा चौका। सीएसके को उनकी फिफ्थ ट्रॉफी भी जिता दी और इस पूरे आईपीएल के सीजन को एक थ्रिलिंग फिनिश दिया। भाई दो दिन से वेट कर रहे थे इस मैच का, बारिश ने पूरा मूड खराब कर दिया था, लेकिन जड्डू भाई ने वो फिनिश दी जो हम फैंस डिजर्व करते थे। सारे हेटर्स और ट्रोलर्स जो इस सीजन जड्डू भाई को जल्दी आउट होने के लिए और खराब फिनिश करने के लिए ट्रोल कर रहे थे, उन सबको दो बॉल में जवाब दिया बंदे ने। कहां गए वो सीएसके फैंस जो बस जड्डू को जल्दी आउट करा के सिर्फ धोनी की बैटिंग देखना चाहते थे। असली इनिंग्स तो जड्डू भाई ने तब खेली है व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। भाई जब धोनी डक पे आउट हुए ना, तब तो लगा कि गेम खत्म है, और उसके बाद माही भाई की सैड फोटो देख के दिल ही टूट गया था। दिल से थैंक यू जड्डू भाई सीएसके और धोनी को वो विन दिलाने के लिए जो वो इस साल सबसे ज्यादा डिजर्व करते थे। भाई लास्ट बॉल का पूरा रिएक्शन मैंने रिकॉर्ड करा है, तुम्हें इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, बहुत क्रेजी हो गया था। शुभमन की मोस्ट इंपोर्टेंट विकेट ली विद धोनी लाइटनिंग फास्ट स्टंपिंग और साथ ही साथ मैच फिनिश करके सीएसके को आईपीएल जिताया। नो डाउट भाई द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर फॉर सीएसके। माना सीजन उतना खास नहीं था, लेकिन रन तब मारे जब सबसे ज्यादा जरूरत थी। भाई एक तो T20 बोल के इन्होंने 3 दिन का मैच दिखा दिया, इतने लंबे तो आजकल टेस्ट मैच भी नहीं चलते। ऊपर से हम फैंस ने 3 दिन तक इतनी वेट करी बस धोनी को डक पे आउट होता देखने के लिए, जो कि पोटेंशियली धोनी का लास्ट मैच भी हो सकता है। पूरा स्टेडियम रायडू की विकेट पे पागल हो गया था कि अब तो धोनी से वो ओजी फिनिश देखने को मिलेगी, लेकिन इससे बड़ा दुख नहीं मिल सकता था। भाई एक सेकंड चेक कर लेता हूं कहीं मिलर और मोहित शर्मा को इंस्टाग्राम पे गालियां तो नहीं पड़ रही। लेकिन भाई लोग धोनी इज स्टिल नॉट डन येट। भाई माना मैच 2 बजे तक चला, लेकिन हम सब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन देखने के लिए 3 बजे तक भी जगे हैं। और वहां पे हर्षा भोगले से बात करते हुए धोनी ने यही बोला था कि इवन दो धोनी के लिए परफेक्ट टाइम है रिटायरमेंट अनाउंस करने का, क्योंकि सीएसके ट्रॉफी भी जीत चुकी है और एक परफेक्ट एंड मिल चुका है। लेकिन उससे ज्यादा मुश्किल ये है कि सिर्फ अपने फैंस के लिए अगले साल फिर से आना, अपनी फिटनेस और अपनी गेम पे वर्क करके और बेटर परफॉर्म करना। यानी इशारा ये था कि धोनी एक बार फिर से आगे खेलना चाहते हैं, बट सिर्फ फैंस के लिए इस बार। जस्ट एज अ ट्रिब्यूट ऑफ थैंक्स टू ऑल द फैंस जिन्होंने सीजन इतना सपोर्ट दिखाया है, हर स्टेडियम में भर भर के आए थे। भाई ऐसे अपना कोई एरिया फिक्स नहीं है, अपन जिधर बैठ जाता है वही एरिया पूरा अपना हो जाता है। देखो मना तो नहीं किया, लेकिन डेफिनेटली नॉट भी नहीं है। और माना सीएसके ने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन धोनी बैट से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, तो एक परफेक्ट एंड तो नहीं मिल पाया। एंड यार इससे अच्छी एंडिंग तो बंदा डिजर्व करता है। मोहित शर्मा की कमबैक की कहानियां तो लोग सालों तक याद रखेंगे। यार क्या एफर्ट दिया है बंदे ने, ऐसा लग रहा है पूरा नया प्लेयर बन के निकला है। 2 साल से नहीं खेला था और ये मैच भी अपनी टीम को ऑलमोस्ट जिता दिया था। लास्ट ओवर में 13 रन चाहिए, सामने दुबे और जडेजा है, लेकिन फिर भी पहली 4 बॉल्स एकदम परफेक्ट स्लॉट में, चाहे धोनी हो चाहे हार्दिक भाई, सबने आके अलग से अप्रिशिएट करे बंदे को बाद में। और बनता भी है भाई, अपनी एक्स टीम के फैंस को 2 बारी हार्ट अटैक दिया है, एक तो लास्ट ओवर में, लेकिन उससे पहले धोनी को गोल्डन डक पे आउट करके। यार हार्दिक भाई के लिए भी अलग ही रिस्पेक्ट बढ़ी जब मोहित शर्मा को जाके हक करा उन्होंने। यार यूजुअली किसी भी कैप्टन के लिए आसान नहीं होगा, टीम इतना क्लोज आके मैच हार गई, लेकिन फिर भी यहाँ हार्दिक पांड्या ने जाके सबसे पहले अपने बॉलर को अप्रिशिएट करा और संभाला। कभी कभी लगता है हार्दिक को बहुत ही अनवांटेड हेट मिलती रहती है। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में धोनी के लिए भी इतनी स्वीट चीज कही बंदे ने। भाई लिटरली जब धोनी डक पे आउट हुए थे ना, तो सच में लग रहा था ये सब कुछ लिखा हुआ है। पहले तो बारिश की वजह से मैच पोस्टपोन हो गया अगले दिन के लिए, जो कि सेम हुआ था वर्ल्ड कप 2019 में, और इस मैच की तरह उस मैच में भी धोनी फिनिश नहीं कर पाए थे। नहीं भूल सकते भाई वो दिन। मैंने तो टेलीग्राम पे पूछा था कितने लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं, और काफी लोगों ने यस भी किया था, लेकिन यहाँ पे ये हुआ कि थ्योरी उल्टी पड़ गई और धोनी की टीम मैच जीत गई। लेकिन वो छोड़ो भाई, एक और थ्योरी है। अब देखो मुझे गाली मत देना, लेकिन धोनी को जब हमने पहली बार देखा था तो डक था और रनआउट था, और इस लॉजिक के हिसाब से इंटरनेशनल में जो लास्ट टाइम देखा उस पर रनआउट था, और इस बार देखो यार मैं तुम्हें यहाँ पे वही थ्योरीज बता रहा हूँ जो चल रही है, बट ऑब्वियसली मैं भी नहीं चाहता कि धोनी के आईपीएल करियर को ये वाला एंड मिले, लेकिन अब हमें अगले साल तक ही वेट करना पड़ेगा ये जानने के लिए। बस इस बात का दुख तो रहेगा कि सीएसके की पूरी बैटिंग ने ऑलमोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट किया बस धोनी को छोड़ के। देखो अगर कॉमेंट्स में गाली नहीं दोगे ना, तो एक छोटा सा जोक
एक बस इस बात की खुशी है कि अगर ये धोनी का लास्ट मैच था तो एटलीस्ट माही भाई 500 पेड़ तो लगा के गए। अरे ए मारो इसको। नहीं भाई देखो, मैं गाली नहीं चाहिए मुझे कमेंट्स में, मैं भी धोनी का उतना ही बड़ा फैन हूँ जितने तुम हो। ये तो हमारा प्यार है यार माही भाई के लिए, इतना तो चलता है। अब माना आईपीएल खत्म हो गया और हमें नहीं पता कि हम रोज 7:30 बजे क्या करने वाले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे अभी भी अपनी फैंटेसी टीम बना के खेल नहीं सकते और जीत नहीं सकते। आईपीएल में तुमने भाई देख लिया, ये नंबर वन फैंटेसी ऐप है। तुम्हारे और मेरी तरह यहाँ पे सिर्फ जेन्युइन क्रिकेट फैंस मिलते हैं, लेकिन आईपीएल के बावजूद भी यहाँ पे क्रिकेट कॉन्टेस्ट चलते रहेंगे तो तुम लोग वहाँ ज्वाइन करके अभी भी जीत सकते हो, क्योंकि इंग्लिश टी20 ब्लास्ट और दुबई डी10 जैसी लीग्स ही है जिसमें फायदा होगा क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होता है। एंड तुम्हें पता है फेक टीम्स का तो चक्कर वैसे ही नहीं होता क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे। इंग्लिश टी20 ब्लास्ट चल रहा है, डब्ल्यूटीसी फाइनल भी आ रहा है, तो तुम आराम से छोटा इन्वेस्ट करके बड़ा जीत सकते हो। 3, 5 या 9 रुपए के भी कॉन्टेस्ट होते हैं यहाँ पे जहाँ से अच्छा फायदा हो जाएगा। हाँ बस ये लोग 1 करोड़ के सपने नहीं दिखाते लेकिन एक्चुअली पैसे जिताते हैं। और तुम्हें पता ही है इन्हीं की एक और ऐप भी है क्रेक, जहाँ पे तुम लाइव क्रिकेट अपडेट्स और स्टैट्स फॉलो कर सकते हो। जैसे रियान पराग ने इस सीजन कितने सिक्सेस मारे। छोड़ो यार ये सब बातें ना ही करे तो अच्छा है। डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे तुम्हें दोनों ऐप्स का लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो और क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी पे मेरा कोड पाहुल यूज करके साइन अप भी कर सकते हो जिससे तुम्हें इंस्टेंट बोनस मिल जाएगा। भाई धोनी की स्टंपिंग की बात करनी पड़ेगी। 0.12 सेकंड का रिएक्शन टाइम, इतना जल्दी तो मैं भी अपनी क्रश को रिप्लाई नहीं कर पाता। भाई 2 ड्रॉप कैचेस और 2 मिस्ड रनआउट्स। सीएसके से खुद फील्डिंग तो नहीं हो रही थी इसीलिए धोनी को खुद आके ऐसी स्टंपिंग करके शुभमन गिल को आउट करना पड़ा। एक तरफ माही भाई है जिन्होंने 0.1 सेकंड में स्टंपिंग कर दी और दूसरी तरफ डीके भाई जिन्होंने पूरे सीजन हर मैच में इतनी ही देर बैटिंग करी है बस। मुझे क्यों तोड़ा? दीपक चहर भाई भी बच गए, शुभमन को ड्रॉप किया था। अगर इस मैच में भी वो सेंचुरी लगा देता ना तो सीएसके फैंस और आरसीबी फैंस दोनों मिलके नहीं छोड़ते। मौत को छू के टक से वापस आ सकता। अच्छा शुभमन गिल के लिए भी बुरा लगता है भाई, टफ लक इस बंदे के लिए सबसे ज्यादा फाइट दिया है इसने, सारा एफर्ट लगा दिया लेकिन फिर भी कम पड़ गया। क्या सीरियसली बोल रहा है यार, सारा टाइम जोक थोड़ी करता रहूंगा। बट ऑरेंज कैप विनर ऑफ द सीजन, 3 सेंचुरीज और कोहली के रिकॉर्ड की इतना क्लोज, क्या मतलब चीकू का रिकॉर्ड बचाने के लिए माही भाई ने स्टंपिंग करी थी। देखो जोक्स साइड, शुभमन ने ट्राई किया लेकिन विराट का रिकॉर्ड तोड़ नहीं पाया, लेकिन दिल कहता है कि अगर कोई प्लेयर फ्यूचर में विराट का रिकॉर्ड तोड़े ना तो वो शुभमन गिल ही हो, फुल्ली डिजर्व करता है ना। आई एम श्योर कि आगे जाके और रिकॉर्ड्स बनाने वाला है, बन जाएगा। वैसे डेवॉन कॉनवे भी एकदम मेरी तरह नहीं है, अपना फुल एफर्ट देता है लेकिन किसी और के आने पे लोग भूल जाते हैं। भाई सीएसके के लास्ट फाइनल में मैन ऑफ द मैच फैफ था और अब डेवॉन कॉनवे है, एकदम परफेक्ट रिप्लेसमेंट लेके आई है ये टीम। फाइनल में मैन ऑफ द मैच और पूरे सीजन कंसिस्टेंटली रन्स मारे लेकिन फिर भी ज्यादा चर्चे नहीं हुए। आईपीएल अवार्ड्स में डेफिनेटली अच्छा कंटेंडर होगा, अंडररेटेड प्लेयर ऑफ द सीजन में। बेचारे फैफ भाई भी वहां ये जीत देख के सोच रहे होंगे कहां फंस गया यार। देखो आईपीएल का फाइनल था, बिना आरसीबी पे जोक करे वीडियो कैसे बन सकती है। सीएसके अपने प्लेयर्स पे कितना ज्यादा भरोसा दिखाता ना ये दिखता है रायुडू की परफॉर्मेंस से। पूरा सीजन नहीं चला बंदा लेकिन आखिरी मैच की परफॉर्मेंस ने ही पूरा डिफरेंस बना दिया और ये तो रायुडू के करियर की लास्ट परफॉर्मेंस थी। हाँ भाई रायुडू भाई ने ऑफिशियली बोला है कि अब वो रिटायर हो रहे हैं। पक्का ना रायुडू भाई, हो रहे हो ना, लास्ट टाइम की तरह तो नहीं। अब भाई मैच 20 से 15 ओवर का हो गया था और 171 का टारगेट मिला था जो कि उतना फेयर भी नहीं था, लेकिन फिर भी सीएसके के ऑलमोस्ट हर बैट्समैन ने अपनी बेस्ट गेम खेली है। कॉनवे और गायकवाड ने ड्रीम स्टार्ट दी, रायुडू ने आके एकदम सरप्राइज इनिंग्स खेल दी, रहाणे ने भी आईपीएल के स्टार्ट वाली इनिंग्स की याद दिला दी। भाई साई सुदर्शन ने क्या ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग्स खेली यार, 96 रन, वो भी आईपीएल फाइनल में और सिर्फ 21 साल का ही है। इतने प्रेशर में इतना कूल रहे के बहुत ही ज्यादा अच्छी इनिंग्स खेल के गया है। मुझे तो लगता है भाई ये भी काफी अंडररेटेड रहा है, एकदम 2012 में जो मनविंदर बिस्ला ने केकेआर के लिए खेला था वैसी इनिंग्स की याद दिला दी। बस टीम जीत नहीं पाए और सेंचुरी नहीं हो पाए उस बात का भी बुरा लगता है। चेन्नई बॉर्न है लेकिन गुजरात से खेलता है, लेकिन गुजरात के ग्राउंड पे चेन्नई के अगेंस्ट ही इतनी अच्छी इनिंग्स खेल दी, बहुत कंफ्यूजन लेकिन वेल प्लेड। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। इसी के साथ साथ एक और बंदा था जिसकी फर्स्ट इनिंग्स की 50 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी गुजरात टाइटंस के लिए, क्या तुम्हें रिद्धिमान साहा लग रहा है? अरे तुषार देश पांडे यार भाई, ये तो जड्डू भाई ने मैच जिता दिया वरना तो। यार साहा भाई की बैटिंग देखो इतने इंपॉर्टेंट और प्रेशर वाले गेम में, इसीलिए कहता हूँ डब्ल्यूटीसी फाइनल ले जाना बनता था साहा भाई को, बिग मैच प्लेयर है बंदा, इससे पहले भी एक अच्छी इनिंग खेल चुका है फाइनल में और अब भी खेल दी, लेकिन बीसीसीआई को ये सब कहाँ दिखता है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे बीसीसीआई से याद है गाइस, वर्ल्ड रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड तो देख लो, बट सीएसके भाई कंसिस्टेंट सुपर किंग्स। लास्ट ईयर इतनी बुरी हालत थी कि टेबल के बॉटम में बैठे थे और इस साल सीधा विनर्स, आईपीएल की मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी बन गई अब, ट्रूली डिजर्व्ड इट। बट यार हार्दिक भाई और गुजरात टाइटंस की टीम ने भी एकदम
कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है पूरे सीजन, और उन्होंने भी एकदम वैलियंट एफर्ट दिया है। दो सीजन में प्रूव कर दिया कि ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है। कुछ टीम्स ने तो 16 सीजन में एक फाइनल निकाला है और यहाँ ये दो में दो निकाल चुकी है। लेकिन आई एम ग्लैड कि इस आईपीएल को एक परफेक्ट फिनिश मिली जो ये डिजर्व करता था। इतने सारे क्रेजी मैचेस हुए इस पूरे सीजन में और ये एंड भी एकदम क्रेजी था, काफी इमोशनल भी रहा, इतनी सारी पिक्चर ऑफ द डेज भी निकली इससे, और बारिश के चक्कर में इतने सारे मीम्स वगैरह भी बन गए। तो चिंता मत करो, एक और वीडियो बना देंगे इस चीज पे और इसमें सीजन की थोड़ी सी और बात कर लेंगे और साथ ही साथ थोड़े मीम्स भी देख लेंगे। वैसे तुम्हारे भाई ने सीजन के पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि सीएसके जीतने वाली है, नहीं मानते तो खुद ही देख लो। अब आखिरी दो प्रेडिक्शंस, रनर्स अप और चैंपियंस। भाई गाली जिसको देनी है कमेंट्स में देना, लेकिन रनर्स अप में दे रहा हूं आरसीबी को। रुक जाओ, सुन लो भाई, देखो मुझे फीलिंग आ रही है कि चेन्नई सुपर किंग्स इस साल जीतने वाली है। और तुम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक से क्रिकेट एक्सचेंज फैंटेसी और क्रेक्स को भी डाउनलोड करना मत भूलना। और दिल से भाई लोग तुम्हें भी थैंक्स बोलना चाहूंगा इतना सारा प्यार और इतना सपोर्ट दिखाने के लिए पिछले 2 महीने में। आप देखो रोज तो वीडियोस नहीं आएगी क्योंकि आईपीएल खत्म हो चुका है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट जरूर लेके आऊं। ऑनेस्टली भाई रोज वीडियोस डालना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन यार तुम लोगों की कमेंट्स पढ़ पढ़ के ही मुझे रोज मोटिवेशन मिलता था ये करने के लिए। सो थैंक यू सो मच यार, एकदम इंटरेस्टिंग और न्यू वीडियोस भी आती रहेंगी तुम्हारे लिए। बाकी तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।